मुंह धोया थोड़ा सा लग नहीं रहा मुझे, मुंह धोया तूने, ये सूजी हुई आंखें लग रही है तेरी, फिर मुंह नहीं धोया तू रंदे। व्हाट अप गाइस, आपका स्वागत है दिल लौंडे यूट्यूब चैनल पे, और आप देख रहे हैं लॉकडाउन डे 3। ये लॉकडाउन डे 3 की वीडियो है। अभी ये वाली जो वीडियो मैंने एडिट करी है वो आज डाल दूंगा, तो आपको 21 तारीख का व्लॉग आज मिल जाएगा, और आज 22 तारीख है, तो स्वागत है। मेरे साथ रात को क्या हुआ, मैं रात को 10 बजे सो गया था। मैं पिछले व्लॉग में भी कहा था ये बात वैसे, पर इस व्लॉग में कहनी ज़रूरी है क्योंकि कई लोग सिर्फ क्या पता यही व्लॉग देख रहे हो। तो 12 बजे सो गया था मैं, और सॉरी 10 बजे सो गया था और 12 बजे का उठा हुआ था रात का, तो इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। अब जाके मैं खाना खाऊँगा, और मम्मी ने मेरे लिए रात को खाना बना दिया था, पर रात का खाना अब मैं सुबह खाऊँगा 9 बजे। ऐसा मैं कभी कभी करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, पर करता जरूर हूँ, ऐसे कभी नहीं होता। चलो खाना खा लेता हूँ फिर। आज मम्मी ने रोटी नहीं बनाई, पता नहीं क्यों, शायद पूछता हूँ मम्मी आपने रोटी क्यों नहीं बनाई मेरे लिए। तू गहरी नींद सो रहा था ना, तो मैंने कहा इसलिए नहीं बनाती, उठेगा तो बना दूंगी। हाँ उठूंगा तो बना दूंगी। आप रोटी मेरे को टोस्ट खिला रहे हो आप, है टोस्ट ही खाने पड़ेंगे, अब मेरे को बासी रोटी खानी पड़ती है तेरी। हाँ ये भी बात सही, सही बात है वैसे ये भी। मम्मी पक्का ना इसमें मक्खन लगाया, घी घी नहीं लगाया? ठीक है ठीक है। आप उसको मुंह से बाहर दे मेरे पे। Many hours later. भाई इस 2 दिन से मैंने चद्दर भी ठीक नहीं करी है, तो चद्दर ठीक कर लेता हूँ। Years later. I want room service. Guys, I'm all set. Our bed set हो चुका है, नींद सी आ रही है, ऐसा लग रहा है सो जाऊँ। Someone. Na. So guys, नींद आ रही है, इससे बढ़िया चीज होगी कि आप कॉफी पी लो, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। अब हमें सिर्फ वेट करना था। गाइस गर्मी आ चुकी है, कॉफी बनाने के चक्कर में मेरे पसीने पसीने निकल गए, सही बता रहा हूँ। मुंह धोया थोड़ा सा लग नहीं रहा मुझे, मुंह धोया तूने, वही सूजी हुई आंखें लग रही है तेरी, फिर मुंह नहीं धोया। रंदे सिर वो रखा मेरा भाई, इस वक्त फिर से मेरे को कह रहा मुंह धोया कि नहीं धोया, कि धोया हुआ तूने। ये रही मेरी गेम, कीबोर्ड और माउस, और ये मेरी कॉफी, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अपने 2 घंटे मैं वेस्ट करने के बाद गेम बंद कर दी है, और अब मैं थोड़ी देर बाहर निकलूंगा, पहले मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ। सो गाइस होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, मैंने अभी भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करा डेली बेसिस पर, और मैंने अब ये मोटो ब्लॉग, और मैं घर से बाहर इसलिए निकला हूँ ताकि मैं सामान ले सकूँ, थोड़ा वो सामान लेना है मेरे को, तो सामान लेके आगे थोड़ा सा घूमूंगा फिरूंगा थोड़ा सा। मैंने कहा स्कूटी भी चला लेते हैं, बड़े दिन से स्कूटी भी निकली थी, तो स्कूटी भी थोड़ी सी ऑन हो जाएगी। वैसे ना जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, मिट्टी साफ कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और ऊपर से थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, हुई है 2 बार, तो काफ़ी गंदी हो चुकी है स्कूटी भी। जोन सी भी चीज़ होती है, बार बार बस मैं साफ ही करता रहता हूँ। ये देखो ये अभी वहाँ से बिल्ली गई बंदा रुक गया पूरा, अंधविश्वास क्या हो गया, बिल्ली गया था क्रॉस करने की यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ
ये देखो ये है लॉकडाउन के हाल, अब ज़्यादा साफ सुथरे आपको हालात दिख रहे होंगे क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी रोशनी भी है और ऊपर से सब कुछ दिख भी रहा है। गाड़ी में इतना मैं आपको नहीं दिखा सकता जितना मैं आपको स्कूटी बाइक पे दिखा सकता हूँ कि लॉकडाउन का क्या हाल है। ये लॉकडाउन 3 है और आज तारीख है 22। बंदा पता नहीं कहाँ जाना चाहता था। आज है 22 अप्रैल थर्सडे आज। तो थोड़ा सामान वान लेते हैं और नवरात्रे भी ख़त्म हो चुके हैं गाइस। नवरात्रे जब से ख़त्म हुए हैं तब से नॉनवेज नहीं खाया, तो अब नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं। कल ही नवरात्रा ख़त्म हुआ है लास्ट था, तो अब नॉनवेज खा सकते हैं। पूरे नवरात्रे में नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाया, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो नॉनवेज भी लूँगा आज मैं, थोड़ा बहुत नॉनवेज भी खाएंगे। और घर पे थोड़ा बहुत और भी सामान लेना है, थोड़े मसाले वसूल लेने, मसाले भी नहीं है घर पे तो वो भी ले लूँगा। और आज पक्का मीट शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि नवरात्रे ख़त्म हो गए, खाएंगे अब लोग नॉन वेज। GoPro स्कूटी पर मेरे पास बाइक नहीं है, स्कूटी है मेरे पास। सो गाइस ये रहा सामान ले लिया है, चलो अब सीधा घर जाता हूँ और घर पे ही मिलूँगा सीधा, मतलब सामान वामान लेके। ऐसे ही सारा सामान दिखाता रहा तो फिर तो हो गया काम। Moments later. इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हुक्का पीना बहुत आसान है पर इसके अंदर तामझाम बड़ा है। अभी जैसे कि ये मेरे को एक कोल है कि कोल जलानी है और उसके बाद वो रखनी है और वो फ्लेवर भी डालना है, और मैंने हुक्का साफ भी करा है और हुक्का के बिहाइंड द सीन्स मैंने आपको नहीं दिखाए कि मैंने कैसे कैसे साफ करा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसको पूरा क्लीन करना पड़ता है। ये रिकोल, ये डब्बा इसी का, ये कोल का ये वाला, और ये रिकोल, और ये मैंने स्विच ऑन कर दिया। अब ये हीट अप होगा और मेरी कोल्स जल जाएंगी। और अगर आप हुक्का पीने वाले हो तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप कभी भी मैजिक कोल बिल्कुल यूज मत करो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तुम्हारे को कितने पसीने आ रहे हैं। मैजिक कोल कभी मत यूज़ करना, सबसे घटिया कोल होती है, ना किसी काम की और ऊपर से काफ़ी नुकसान भी देती है आपको। ये नेचुरल कोल होती है तो ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी। नुकसान बोल रहा था, मेरे दोस्त ने मिलके लिया था ये एक्सपेरिमेंट। पत्थर वाला फ्लेवर है, ये पत्थर है उसके ऊपर फ्लेवर चढ़ा हुआ है और इसमें कोई भी, ये हर्बल फ्लेवर है एकदम, इसमें निकोटिन विकोटिन कुछ भी नहीं है, ना टबैको है। ये चिलम है ना, गर्म होने में बहुत टाइम लेती है इसलिए बहुत देर बाद स्मोक आना स्टार्ट होता है। मिट्टी की चिलम है ये, रबड़ की चिलम भी यूज़ नहीं करता। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हुआ है, अभी गर्म होने में टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद।